हेलो दोस्तों, आज बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का मुंबई में निधन हो गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अपनी जादुई आवाज़ और सरल व्यक्तित्व के कारण भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अनोखी पहचान बनाई थी। उनका जीवन कई उपलब्धियों से भरा रहा और उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष भी किए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनके उपलब्धियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर है और यह जो है वो मराठी फिल्म के एक्टर और म्यूजिशियन भी थे। यही जो है वो लता मंगेशकर जी के प्रारंभिक गुरु भी रहे। अगर बात करें इनके परिवार की तो ये चार भाई बहन हैं। इनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहन आशा भोसले जो खुद एक बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन है, इसके अलावा उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर इनकी बहन है। इनके पिता की मृत्यु जो है 13 वर्ष की ही उम्र में हो गई थी। जब ये 13 वर्ष के थी उसी टाइम इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण परिवार का बोझ जो है वो लता मंगेशकर के ऊपर ही आ गया था। उन्हें अभिनय उतना पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है मराठी और हिंदी फिल्मों में जो है अभिनय किया। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि लता मंगेशकर जी ने जो है वो हीरोइन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। और उनकी जो पहली मूवी थी वो थी 1942 में मंगला गौर। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारे मूवी की, लेकिन उनकी जो बड़ी माँ मूवी है वो नूरजहाँ के साथ थी। और इस मूवी में जो है उन्होंने नूरजहाँ की छोटी बहन का किरदार निभाया था। इसके अलावा जीवन यात्रा और छत्रपति शिवाजी जैसे फिल्मों में उन्होंने कार्य किया था। बात करें अगर उनके गायन की तो उन्होंने पहला गाना जो है उनका वो मराठी फिल्म के लिए गाया था, कितना हसाल कितनी हसाल। लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि है वो महल फिल्म के गाने आएगा गान आने वाला से हुआ था। और यह जो गाना है वो मधुबाला के ऊपर लिखा गया था, मतलब इस गाने पे जो परफॉर्म की थी वो मधुबाला की थी। लता मंगेशकर के अगर उपलब्धि की बात करें तो उनकी उपलब्धि उनके द्वारा गाए गए 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गानों से ही पता चल जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है। इनके द्वारा कई ऐसे गाने गाए गए हैं जो हमारे दिलों में हमेशा जो है वो गूंजते रहेंगे और हमेशा ये जो है याद आते रहेंगे, जैसे लग जा गले, जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। इसके अलावा ऐ मेरे वतन के लोगों जो गाना है वो आज भी हमारे दिलों में एक देशभक्ति का पूरा लहर पैदा कर देता है। और यह जो गाना था वो 1963 के गणतंत्र दिवस के अवसर पे गाया गया था। और इस गाने को सुनकर जो है पंडित नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गया था, इस सुरीले अंदाज में इन्होंने यह गाना गाया था। लेकिन हमें जो है कवि प्रदीप को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने इस गाने की बोल लिखी थी। तो इस ए मेरे वतन के लोग जो गाना है यह गाना हमें प्रदीप और लता मंगेशकर दोनों का हमेशा याद दिलाता रहेगा। देखिए इनकी उपलब्धियों को जो है पुरस्कारों से तोला नहीं जा सकता है कि हाँ कितने पुरस्कार मिले, लेकिन फिर भी अगर बात करें इनके द्वारा जो प्रसिद्ध इनको जो प्रसिद्ध पुरस्कार मिला उसमें 2001 में जो है इन्हें भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न उससे सम्मानित किया गया था। उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे श्री के आर नारायणन, उनके द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा उन्हें जो है मतलब अपने कैरियर के शुरुआती दिनों से ही पुरस्कार से सम्मानित किया जाने लगा था, जैसे 1952, 62, 65 इन सारे ईयर में जो है उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 1969 में ही इन्हें पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया, और भी कई सारे पुरस्कार इन्हें दिए गए थे। आप देख सकते हैं गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी जो है इनका नाम 1974 में ही शामिल किया गया था सबसे अधिक गीत गाने के लिए। तो ये उनकी
उपलब्धियां हैं, लेकिन इनकी उपलब्धि जो है इनके गानों में है, ये हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन इनके गाए गाने जो है वो हमेशा हमारे दिलों में वो जीवित रहेंगे। तो इसी के साथ जो है पूरा स्टडी सेंटर परिवार की ओर से लता मंगेशकर जी को जो है भावभीन श्रद्धांजलि, ये हमेशा जो है हमारे दिलों में जीवित रहेंगी और जहाँ भी रहेंगी वो अमर बनी हुई रहेंगी। तो पूरा स्टडी सेंटर परिवार जो इन्हें भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता है, धन्यवाद।